सांता फे न्यू मैक्सिको अमेरिका के शहर में आज से 140 साल पहले बहुत बड़ा मुआजा हुआ था लोरेत तो में होने वाले इस मुआजे को देखने के लिए हर साल दो लाख पचास हजार आते हैं इस छोटे से गिरजाघर को जो चीज़ दूसरे तमाम गिरजाघरों से मुंफरद बनाती है वो इस गिरजाघर की मौजा सीढ़ियाँ हैं इस गिरजाघर की तमीर अठारह सौ अट्ठानवे में हुई थी जब इसकी तमीर मुकम्मल हो गई तो सिस्टर साहबाद ने महसूस किया कि क्वायर के लिए बनाई गई 22 फुट ऊंची गैलरी के लिए सीढ़ियों की कमी है सिस्टर साहबात ने बहुत से बढ़ई बुलाए ताकि वो सीढ़ी बना सकें, लेकिन उनका कहना था कि जगह बहुत कम है और सीढ़ी बनाना नामुमकिन है सिस्टर्स ने नौ दिन मुकदस यूसुफ बढ़ई से दुआ की ताकि इस मसले का हल निकले नवीने के नए दिन एक बड़ाई ने दरवाज़े पर दस्तक दी कि वो सीढ़ी बनाने में उनकी मदद करना चाहता है उसने तन तनहा इस काम को शुरू किया और मुकम्मल भी कर दिया ये एक अजूबा से कम ना था 360 सौ के दो चक्रों वाली ये सीढ़ी बग़ैर किसी मरकज़ी सहारे के तामीर की गई है दिलचस्प बात यह है कि इस सारी सीढ़ी को बनाने के लिए कोई कील और ग्लू इस्तेमाल नहीं हुए जब काम मुकम्मल हो गया तो ये बड़ई बिन बताए और बगैर कोई मुआवजा वसूल किए गायब हो गया बहुत जल्द शहर में ये अफवाह फैलने लगी कि वो बड़ई जिसने ये सीढ़ी बनाई है कोई और नहीं बल्कि मुकद्दस यूसुफ खुद था जिसको यसुने ने भेजा था ताकि सिस्टर्स की मदद करे इस सीढ़ी को मोज़ज़ाना सीढ़ी कहा जाता है ये छोटा सा गिरजाघर इस मौजाना सीढ़ी की वजह से एक जियारतगा बन चुका है इस मौजाना सीढ़ी की तामीर में तीन बहुत बड़े भेद हैं नंबर एक ये सीढ़ी किसने बनाई आज तक उस शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी नंबर दो आज तक किसी साइंसदान इंजीनियर और आर्किटेक्चर की समझ में ये बात नहीं आ सकी कि ये सीढ़ी बगैर किसी मरकजी सहारे के कैसे खड़ी है नंबर तीन लकड़ी कहाँ से आई जो लकड़ी इस सीढ़ी के लिए इस्तेमाल की गई है वो सारे इलाके में कहीं भी दस्तयाब नहीं है एक और हैरान कन बात और ईमान को मजबूत करने वाली बात यह है कि सीढ़ी के 33 स्टेप्स हैं जो ये सुमसी की उम्र से मिलते हैं